जबलपुर से एक और बड़ी खबर बता दें, जहां बाड़ी के पूर्व विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। यहां समर्थकों से कुछ कहने पर लाशें बिछा देने की धमकी दी, उंगली टच करने पर हाथ काटने की धमकी दी है। सभा के दौरान ये धमकी भरा भाषण पूर्व विधायक ने दिया है। सोशल मीडिया पर अब ये भाषण वायरल हो रहा है। जसवंत सिंह गुर्जर हैं बाड़ी के पूर्व विधायक और एक सभा में वे पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये उकसाऊ भाषण दिया है सभा के दौरान, और अब इस भाषण का ये क्लिप वायरल हो रहा है। तो जसवंत सिंह गुर्जर पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक सभा के दौरान ये भाषण दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सुनिए। वादा कर रहा हूँ, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता से तू कैदी तो मैं यहाँ लाशें बिछा से, अगर तू कैदी है तो इनको घर में से नहीं निकलने देंगे। आपको याद है पंचायत के चुनाव, प्रधानी का चुनाव था, इन्होंने एक मेंबर को अंदर घुसा दिया। मैंने एसपी से कहीं निकाल के लाइए, नहीं तो लट बजा रहे हैं इसके घर पे। हजारों लोग सड़क पे आ जाएंगे, जबरदस्ती मर जाए घर से ले आगे खींच के। दो मिनट में पुलिस आई और दो मिनट में मेंबर को मैं घुमा दिया। मेरे कार्यकर्ता से मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरे किसी भी कार्यकर्ता से अगर उंगली लगाई तो मैं हाथ काट दूंगा ईमानदारी से। के दायरे में काम कर चुके ऐसे विधायक जब इस तरह के उकसाऊ और हिंसक भाषण देते हैं तो हैरानी होती है कि जहां इन्हें नियमों का पालन करने और शांति सद्भाव बनाने जैसे भाषण देने चाहिए, वहां ये लाशें बिछाने और उंगली टच करने पर हाथ काटने देने जैसी धमकी दे रहे हैं। ऐसे में अगर इनके समर्थक इनकी बातों को जहन में रखते हुए आगे कदम ना उठाए तो इन्हें क्या कहा जाए। बाड़ी के ये पूर्व विधायक है जिनका ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। बाड़ी के पूर्व विधायक इस सभा में कह रहे हैं कि उंगली टच करने पर हाथ काट दूंगा, खून यहां लाशें बिछ जाएंगे। इस तरह की भाषा, इस तरह के भाषण चुनावी समर में काफी कुछ बयां करते हैं। और शिवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शिवेंद्र, जहां वोटों की अपील करने तो ये नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन लाशें बिछा देने, हाथ काट देने जैसे बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राजस्थान के चुनाव में भी यूपी और बिहार का टेस्ट आ गया है। हमने बहुत कम देखा है कि राजस्थान के चुनावी माहौल में भी नेता इस तरह की बातें करते हैं कि लाश करेंगे। और ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की बात कोई ये सामान्य नेता नहीं है। ये पूर्व में एमएलए और इस बार भी बाड़ी से बीजेपी के टिकट के मुख्य दावेदार हैं। बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से उनको टिकट मिले। और इतना सीनियर लीडर बीजेपी का अगर इतने बड़े लोगों में सोशल मीडिया का दौर है तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा ही, पार्टी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव ऐसा कोई स्थान नहीं है। उस समय में जब बहुत ही अच्छे माहौल में चुनाव कराने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं, जब इस तरह अगर बीजेपी के एक सीनियर लीडर धौलपुर जिले के खासकर वो इस तरह की बात करते हैं, तो ऐसे बयानों से, ऐसी बातों से राजनीतिक साख जो नेताओं की है वो गिरती है। हाल ही में बयान आया जहां जो हिंदू हैं वो बीजेपी को वोट दे, इस तरह के बयान आए, और अब ये लाशें बिछा देने जैसे बयान। बिल्कुल वही है, और इस बयान की काफी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि जो राजस्थान है उसको जाना जाता है कि यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव होता है। इस तरह के भड़काऊ भाषणों से अक्सर लोग दूर रहते हैं। इस तरह के स्पीच हमने इससे पहले राजस्थान में सुने नहीं, लेकिन आम सभा में जहां हजार दो हजार आपके समर्थक मौजूद हैं, चुनाव का माहौल है, तो साफ है कि शिवेंद्र यहां प्रचार की सूरत बदलती सी दिख रही है। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।